दोस्तों, लाइपोमा के इलाज में क्या खाएं और क्या ना खाएं। जैसे कि हम जानते हैं कि लाइपोमा का बढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होती है डाइट, गलत खान पान, गलत नियम, जिम करना, नॉनवेज का सेवन करना, गलत रूटीन के साथ अपनी लाइफ स्टाइल को जीना। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप क्या कैसे करेंगे खान पान के मामले में, आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। दोस्तों, बहुत से लोगों को मैं बता देता हूं कि आपको खाना के साथ सलाद फल भी खाना है। सलाद फल खाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि तीनों टाइम सलाद खाने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी काफी वीक हो जाती है और वो सही तरह से वर्कआउट भी नहीं करते हैं और डाइजेशन भी उनका बिगड़ जाता है, पेट भी साफ नहीं होता है, नींद भी नहीं आती है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि आपने खाना ही बंद कर दिया और आप तीनों टाइम फल सलाद खाने लग गए ये सोच के कि हमारा शरीर पतला हो जाएगा और हम लाइपोमा जल्दी से ठीक कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको बॉडी में रिक्वायरमेंट कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की भी जरूरत होती है, जो कि आपको खाना से मिलती है, रोटी चावल से मिलती है। तो आपको रोटी चावल खाना भी जरूरी होता है, तभी आपका डाइजेशन सिस्टम भी सही तरह से चलेगा। इसके बाद दोस्तों, बहुत से लोगों को नॉनवेज खाने का बड़ा शौक रहता है। वो बोलते हैं, सर आपने मुझे नॉनवेज तो बंद करवा दिया, क्या हम कभी कभी अंडा खा सकते हैं या कभी कभी मछली खा सकते हैं? तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना है। आपका नॉनवेज मैं 8 महीने, 10 महीने या 1 साल के बाद खुद चालू करवाऊंगा, आपकी बॉडी की कंडीशन देखते हुए। वैसे तो नॉनवेज टोटली बंद होता है, लेकिन हम कभी कभी फिश को चालू करवा देते हैं, कभी कभी एग वाइट को चालू करवा देते हैं, लेकिन ज्यादातर हम बोलते हैं कि नॉनवेज खाना ही नहीं है, नहीं खाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद बहुत से लोग बोलते हैं कि हमने बहुत जिम किया है और हमको अब प्रोटीन लेने की आदत लग गई है, या हम बहुत पतले हैं तो हम कोई मास गेनर लेना चाहते हैं या वेट गेनर लेना चाहते हैं। तो ये भी गलती आप लोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हाई प्रोटीन से, हाई कार्बोहाइड्रेट से लाइपोमा बहुत तेजी से बढ़ता है। और मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि जिम वालों को लाइपोमा सबसे ज्यादा होता है और जिम वालों को उनको सबसे ज्यादा होता है जो प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं और अचानक से जिम छोड़ देते हैं, फिर भी सप्लीमेंट को लेते रहते हैं। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि सप्लीमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसके बाद दोस्तों, आपको जैसे मैं आपको बताया हूं कि आपको सुबह नाश्ते में दलिया या ओट्स खाना है, तो आपको दलिया ओट्स ही खाना है, आपको दूसरी चीजें नहीं खाना है। जिन लोगों को मैंने बताया है कि सुबह आपको फ्रूट सलाद खाना है, तो उनको फ्रूट सलाद ही खाना है। तो आपको जो डाइट बताई गई है, आपकी बॉडी के हिसाब से बताई गई है, इसलिए आप अलग प्रकार का डाइट ना करें। कई लोगों को सुबह फ्रूट बताया जाता है, कई लोगों को ओट्स बताए जाते हैं, किसी को स्प्राउट बताए जाते हैं और किसी को दलिया बताया जाता है, किसी को ओट्स बताया जाता है। तो नाश्ते में ये सब चीज ही आपको फॉलो करना है। जब आपका लंबा समय हो जाता है तो हम रोटी सब्जी भी बताते हैं, दाल चावल भी बताते हैं या पोहा वगैरह खाने के लिए भी हम अलाउ करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपको हम दलिया, खिचड़ी, ओट्स, जूस, फ्रूट, स्प्राउट ये सब ही खाने के लिए बोलते हैं। इसके बाद दोपहर को जैसे आपको खाने के लिए बहुत से लोग रोटी भी खाते हैं, बहुत से लोग चावल भी खाते हैं, बहुत से लोगों को घी खाने के लिए बोला जाता है, बहुत से लोगों को घी खाने के लिए मना किया जाता है, आपकी बॉडी के हिसाब से। तो आपकी बॉडी कैसा दबा रिजल्ट दे रही है, आपका बॉडी में क्या रिएक्शन है, क्या रिजल्ट है, उस हिसाब से हम घी ऐड करवाते हैं। अगर आपका सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, आपकी स्किन तेजी से पतली हो रही होती है, तो हम बोलते हैं कि थोड़ा सा घी स्टार्ट करिए। अगर आपकी बॉडी में स्किन पहले से पतली होती है, तो हम आपके घी जल्दी से स्टार्ट करवा देते हैं। आपको पीनट बटर भी अलाउ तभी होता है जब आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए पीनट बटर भी आपको नहीं लेना है। बहुत से लोग मल्टी विटामिन के लिए भी बोलते हैं, तो मल्टी विटामिन भी किसी प्रकार का यूज नहीं करना है। उसके लिए आपको अनार का जूस पी सकते हैं, गाजर का जूस पी सकते हैं, किशमिश को भिगा के खा सकते हैं, खजूर को भिगा के खा सकते हैं, ये भी मल्टी विटामिन के काम करते हैं और उससे ज्यादा बेहतर काम करते हैं। तो आप इनको लें। ड्राई फ्रूट्स खाने के लिए मना नहीं किया जाता है, लेकिन अगर आपकी बॉडी बहुत ज्यादा फैटी है और लाइपोमा बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं, तो हम ड्राई फ्रूट्स के लिए भी स्टार्टिंग में मना करते हैं, बाद में हम आपको ड्राई फ्रूट्स के लिए भी स्टार्ट करवा देते हैं। आप लोगों के लिए दूध टोटली मना होता है, दूध से बनी हुई चीजें सारी मना की जाती हैं। आपको दही नहीं खाना है, पनीर नहीं खाना है, दूध नहीं पीना है, लेकिन बाद में 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद हम आपका दूध, दही, घी भी स्टार्ट करवाते हैं, लेकिन आपकी बॉडी की कंडीशन के हिसाब से करवाते हैं, स्टार्टिंग में आपको नहीं खाना होता है। इसके बाद टोटली आपको मैदा बेसन की चीजें, जैसे कि पकौड़े, समोसे, ये सब चीजें जो बनती हैं बेसन से, वो टोटली आपको नहीं लेना है। इसी प्रकार जो चीजें मैदा से बनती है, चाउमीन वगैरह हुआ, या जो उड़द की दाल से जो आइटम बनता है, जैसे कि इडली हुआ, डोसा हुआ, या उड़द की दाल, आपको नहीं खाना है। राजमा आपको नहीं खाना है, राजमा भी हम आपका स्टार्ट करवाएंगे बाद में, लेकिन पहले आपको नहीं खाना है। इसी प्रकार उड़द की दाल का कोई भी आइटम हो वो आपको नहीं खाना है।
उसी प्रकार दोस्तों जैसे कि आपका बहुत गरिष्ठ भोजन हुआ, जैसे कि फास्ट फूड हुए, जैसे कि ढोकले हुए या कोई बेसन का आइटम हुआ, मतलब टोटली आपको बेसन और मैदा की चीजें आपको नहीं खानी है, आपको बेकरी के आइटम भी बिल्कुल नहीं खाने हैं। अब आपको क्या खाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको ड्राई फ्रूट्स बिका के आप खा सकते हैं, आप कभी कभी थोड़ा सा मीठा भी खा सकते हैं, लेकिन ज्यादा मीठा खाना इसमें मना है। थोड़ा सा मीठा आप खा सकते हैं, रोज रोज बहुत ज्यादा मीठा आपको नहीं खाना है। जैसे कि आप पता चला कि घर में गाजर का हलवा बना है तो आपने रात को सिर्फ गाजर का हलवा से पेट भर लिया, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। खाना खाने के बाद तुरंत आपको सोना नहीं है, इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। और आपको दाल खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं, चावल का चीला भी खा सकते हैं, और चावल और आटे की जो रोटियां बनती हैं, जौ की जो रोटियां बनती हैं, बाजरा की रोटियां बनती हैं, वो भी आप खा सकते हैं। ज्वार जवा की रोटी भी आप खा सकते हैं। आप इसमें हरी सब्जियां सारी खा सकते हैं, आलू कम मात्रा में खाएं, ज्यादा मात्रा में ना खाएं, प्याज और लहसुन भी कम मात्रा में खाएं। खट्टी चीजें टोटली जैसे कि नींबू की चीज है, इमली की चीज है, अमचूर की चीज है, आप ना खाएं। फलों में आम ज्यादा नहीं खाना है आपको, चीकू आपको ज्यादा नहीं खाना है। फलों में तरबूज खा सकते हैं और संतरा भी थोड़ा बहुत खा सकते हैं, ज्यादा नहीं खाना है। इमली आपको बिल्कुल नहीं खाना है, नींबू के लिए मना करता हूं मैं, आम के लिए भी मना करता हूं। तरबूज आप खा सकते हैं, पपीता आपका खाना बहुत अच्छा है, एप्पल खाना बहुत अच्छा है, केला भी आपको नहीं खाना है। केला आपका 6 महीने 8 महीने के बाद मैं स्टार्ट करवाता हूँ, केला आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं खाना होता है। तो इन चीज़ों को आप अगर फॉलो करेंगे अपनी डाइट में तो लाइपोमा आपका तेजी से भी ठीक होगा, दवा अच्छे से काम करेगी और आपके ट्रीटमेंट को मैं अच्छी तरह से समझ पाऊंगा और आगे भी आपके ट्रीटमेंट को बढ़ाऊंगा। इसलिए लाइपोमा की इन परहेजों को, इन डाइट को अच्छी तरह से फॉलो करें और अपना लाभ उठाएं।